आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी, सुझाव एवं इलाज जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल पेश कर रहा है मेरा डॉक्टर, मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे, देखना मत भूलिए मेरा डॉक्टर। कोई माने या न माने, सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, नमस्कार। चाचा भतीजे के फटकों में आपका स्वागत है। चाचा भी आ गए हैं, हमारा चाचा और हमारा चाचा का दूसरा भतीजा खेड़ो वालों, वो भी आ गए हो। तो चाचा आज समाचारों पे फटके खाते हैं। नहीं क्या मुंडा लो, फटके फटके तुम्ही रोजच देता, मले तू सुरुवात करू द्या कधी, काय तू फटका देणार काय, फटके नाही देत मी, विचारतो ना काकाले प्रश्न, विचार काका। मी काय म्हणालो, गावात खेळाचा येळा आहे, विचारू दे, त्याचा लवकर निपटून टाकतो मी त्याला। बरं ठीक आहे, काही म्हणा तुम्ही, मी काय म्हणालो, मी आज येऊन राहिलो तिकून, पेपर दिसला मले, पेपरात पाहिलं म्या आपले अमितेश कुमार साहेब आणि तुमचे पुतणे रावसाहेब शेखावत, त्यांचा फोटो बिलकुल एकदम बढिया याच्यात छापला होता। मेरा सज्जन भतीजा आहे, हो क्या कर रहा था, एकदम बढिया ते बसले होते, तर ते मॅटर काय आहे, ते फोटो मस्त दिसले दोघांचे, मला फोटो पाहिला, अमितेश कुमार रावसाहेब आमने सामने बसलेले, हो लावा फटका। देखिए अपने यहां ऐसे भी लोग हैं कि जो पेपर में छपी हुई फोटो का अर्थ निकालने को बैठते, ठीक है बाबा निकाल देता मैं तेरे को अर्थ निकाल देता, सांगा, वो तो ठीक है, तो दोनों आमने सामने, एक कानून को निर्मित करने वाला बराबर है और एक कानून का पालन करने वाला, जब दोनों आमने सामने बैठते हैं तो जनता के हित की कोई बढ़िया बात निकालते थे। क्या बात, फोटो का अर्थ था, क्या बात है। लेकिन मेरी दृष्टि में इस चित्र की, इस फोटोग्राफ की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, कौन जितनी बड़ी अहमियत, जिसको अपन यादगार फोटो बोलते हैं, ऐसा एक यादगार फोटो की मैं आपको चर्चा करता हूं, जिसकी सारे गांव में चर्चा हुई थी। क्या बात करते, ऐसे फोटो की मैं आपको बात बोलता हूं, बोलो। हमारे महापौर चुन के आए हाँ। और उनका सम्मान करने हमारी एक सम्माननीय भगिनी उनके चेंबर में गई, तो हमारे अमरावती शहर के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले महापौर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, खड़े हो गए और उस चेयर पर जिस पर बैठने का किसी को अधिकार नहीं है, उस चेयर पर हमारी उस सम्माननीय भगिनी को बैठाया और खुद हाथ जोड़े सामने खड़े रहे। क्या संगता, यह क्या बात है। और चाचा से फटका खाते हैं, अब चाचा थोड़ा सा इंटरनेशनल भी हो गया, चाचा के फटके इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने लगे। और चाचा खबर है ताइवान के एयरपोर्ट की, वहां पे एक गोरी मैम सनबात ले रही थी, वहां की पुलिस ने उसे पकड़ा और कहा हमारे ताइवान के कानून के हिसाब से इस तरह का कोई भी काम करना यहाँ पे कानूनी अपराध है, तो आप फर्क ले सकती, छोड़ दिया। हाँ काका, मिका मंडल सनबात में समझ लो, नहीं संगत ना काका, संगत देखिए, सबसे पहले तो इसकी नादानी पे मुझे हंसी आती है, ये मेरे को इंटरनेशनल अब बोल रहा है, अरे बेटा मेरा जन्म विदेश का, मैं सारी दुनिया घूम फिर के यहां आकर बैठा तेरे गांव में, अब बात ऐसी हो गई कि रॉकेट से बाहर जाने का मेरा प्रोग्राम बना था, मगर कुछ उम्र का तकाजा, कुछ तबियत की भेजा नहीं मेरे को, नहीं तो मैं अंतरराष्ट्रीय तो ठीक है, विश्व राष्ट्रीय बन जाता था। अच्छा। दूसरा तेरा सवाल, ये बच्चे ने बीच में पूछा, ये जरा सा ठीक है, अब वो बच्चे का दिल रखना पड़ता है, ये पूछा मेरे को कि सन बात क्या होता है, सनलाइट बात मालूम है तेरे को, सनलाइट पुराने जमाने में सनलाइट आता था, साबु आता था, उससे नहाते थे, आइगला में उसको सन बात बोलते, क्या है
अबे धूप धूप अपने शरीर पे पड़ने देना, चमड़ी उससे बराबर तो उससे अपना शरीर को जो शक्ति मिलती है पसीना निकल जाता है। ये बड़े लोगों का खेल है, अपने गरीब लोगों का तो पसीना यूं ही निकल जाता है। तो वो लोग जो धूप में जाते नहीं, एसी में बैठे रहते, उनके लिए संवाद। तो धूप में नंगे अधनंगे पड़े रहते, तुझे मालूम नहीं होगा तो जान ले, हमारे गोवा में मरीना बीच पे जाकर देखना, वहां विदेशी कई प्रवासी घूमले आते हो आपको, कपड़े में कमाल बिना कपड़े में समुद्र किनारे पड़े हुए दिखेंगे, तुम्हें पाए लगे, और उस परिस्थिति का वो आनंद ले रहे होते हैं। और हमारे हिंदुस्तानी नागरिक अपनी जहिलता का प्रदर्शन करते हुए उनको उस हालत में देखना पसंद करते हैं। यह है अपनी सभ्यता। अब बात करते हैं हम ताइवान की। विवान प्रवासी एक गोरी मेम जिसे ताइवान की संस्कृति की जानकारी नहीं, और जिन्हें जानकारी नहीं होती तो वो अपने तरीके से पेश आते, तो बेचारी अपने तरीके से पेश आई, संवाद लेने लगी, तो वहां की पुलिस ने उसको पकड़ा, रोका और बोला कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, ये समाचार हूं, अटपटा लगा उस मेम को, गोरी मेम को। तो मेरे हिसाब से उस गोरी मेम ने अपने दिल में शायद यही कहा होगा, ये क्या जगह है दोस्तों, वाह वाह, अबे आज तो खरी के वाह वाह करेगा, ये क्या जगह है दोस्तों, वाह, ये कौन सा दयार है, वाह, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है, क्या बात है, क्या बात। चाचा मेरे को एक बात बताओ, महिलाओं को 50% आरक्षण घोषित हुआ, महिलाएं 50% आरक्षित होंगी, पुरुष 50%, बिल्कुल ठीक है ना, बर्मिंघम डालो, महिलाएं महिला 50% मानस 50%, मग हे लोक कुठे जातील। अब नादान के सवाल का जवाब भी ऐसे ही देना पड़ेगा। अरे आपकी बार जनता क्या कहेंगी, अब जनता क्या करने वाली है सुन लीजिए अच्छे से, आपकी बार जनता सभी से कहेंगी, वोट मांगने वाले जो जाएंगे ना उनसे कहेंगी, हाँ कि आपकी, अरे आपकी कमल नहीं, कमल नहीं कमला चाहिए, और पंजा नहीं चाहिए, क्या बात। अगले समाचार पे काका से प्रश्न पूछते हैं, फटका खाते हैं, और चाचा निगम नालो मी आपले राजकमल चौकात उभो होतो, तर तिथं मले मोठे पोस्टर, मोठं एक पोस्टर दिसलं, तिथं एक आपल्या महापौर साहेबाचा फोटो होता, बाजून होता उपमहापौर साहेबाचा, तर त्याच्यात खाली लिहिलं होतं दंगल केसरी कुस्ती स्पर्धा, हे काय? सबसे पहले मेरा सवाल तेरे से ये है, हाँ, कि तू राजकमल चौक पर ही क्यों खड़ा था? अबे भूल जा, अमरावती में आज राज्य, आज प्रशासन अमित कुमार जी का है, और ऐसी वैसी जगह पर खड़े रहने वाले को अमित कुमार जी क्या करते तुझे मालूम है? क्या करते? अच्छा जान दे, वो करके देख फिर मालूम पड़ेगा। हाँ, दूसरा सवाल इस नादन का सवाल है दूसरा हमारे, कि महापौर और उपमहापौर, हाँ, नीचे लिखा है कुश्ती का केसरी दंगल, हाँ, अरे रोज दंगल होता मनपा में, रोज दंगल होता, अब ये विशेष यानी केसरी कुश्ती का दंगल करो महापौर साहब, जरूर करो। एक बात याद रखना, आप इससे काम लेते हैं, और मेरा दूसरा भतीजा है ना जो उप महापौर, इससे काम लेता है, वो अखाड़े का पुराना पहलवान है, वहां नहीं गलेंगी दाल, सोच समझ के लड़ना भाई, सोच समझ के, क्या बात है। ओ भाई चाचा, हाँ भतीजा। अरे ओ चाचा से अब समाचारों पे फटका खाते हैं, ओ चाचा मैडम एक बात बताओ, थारी जो उम्र हो गई ना, वैसे थारे फटकों को भी अब टाइम लगने लग गया है, लड़ टाइम लाओते हैं मानो। देख बेटा, उम्र अपना काम करती है,
लेकिन फटका करारा है कि नहीं ये बोल मैं तू करारा है पर वेड़ लगा है ना अब टेम तो लगने वाला ही है। अच्छा एक काम कर मैं कोशिश करता हूँ होड़ताल है तुम्हें फास्ट कम टाइम में जोरदार झटका हाँ जोरदार फटका गेम ठीक है पहला सवाल फटकर शॉप पैक्ट अधिकारियों को देखकर बाजार धड़ाधड़ बंद होने लगा अबे मार्च एंडिंग है मार्च एंडिंग चिरी मिरी घेऊन सुद्धा टांगून देते मग बंद करून पडणार नाही तर काय करणार क्या बात आरटीओ के बाबुओं को राहत मिली उनको मिली जमानत मिलने वाली है क्यों नहीं मिलेंगी अरे हमारे भी हाथ तो दूर तक पहुंचे हुए क्या बात लोकशाही दिन पर मिलने वाली शिकायतें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनी जाएंगी वाह वाह क्या बात है और वो शिकायत सुने बाद में आपके घर में आप बैठे हैं तो टीवी में से सीधी मदद गिरेंगी खटाखट क्या बात है अगला समाचार है कि रामदेव बाबा बीजेपी को दान देते हैं अरे इसी तो कहते हैं दाना डाल के मुर्गी लड़ाना क्या बात महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को महाराष्ट्र में 50% आरक्षण दिया ना अब शुरू होगा गली ते दिल्ली बहुत बढ़िया बात शरद पवार और अजीत पवार में झगड़ा हुआ जैसे ये चाचा वैसा मैं भतीजा दोनों में झगड़ा बेटा कभी कभी नूरा कुश्ती में भी बड़ी मजा आती है क्या बात अगला समाचार काका का जोरदार फटका रवि राणा ने महानगर पालिका के आयुक्त से 32 सवाल पूछे सिर्फ अरे 32 नहीं 32,000 पूछ ले मारो सुन लो साहब एकरो भी जवाब नहीं देवे क्या बात अगला समाचार कांग्रेस पार्टी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति अरे 64 साल का बोफोर्सी अनुभव है क्या बात पुढचा प्रश्न काकाला विचारतो आपल्या चाचाला विचारतो झोपेमुळे मेंदूला तरतरी मिळते अरे म्हणून तर शासकीय अधिकारी ऑफिस मध्ये झोपा करतात अगला बड़ा प्यारा समाचार है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए महानगर पालिका के भी अधिकारी लोक आयुक्त के दायरे में आएंगे लोक आयुक्त के दायरे में महानगर पालिका के अधिकारी तो भ्रष्टाचार करने वाला लोकायुक्त किसके दायरे में किसके दायरे क्या बात और चाचा ने मजा दे दिया आज चाचा ने बड़े जोरदार फटके लगाए हम आपको ऐसी जोरदार फटकों से चाचा के अगले बार भी मिलाते रहेंगे आपका भी शुक्रिया बात कहना चाहूंगा एक बात सुन ये फटके का कार्यक्रम बहुत तारीफ हो रही सब जगह खूब चर्चा हो रहा है मैं एक बार स्पष्ट रूप से आपसे कह देना चाहता हूँ मेरी टीम पूरी आपसे कह देना चाहती केवल आनंद और आनंद हंसी और हंसी आपके मनोरंजन के लिए ये कार्यक्रम हम बनाते हम किसी का दिल दुखाने यहां नहीं आते और कोई भी अपने बाप की पगड़ी न पहन ले बस हंसिए हमारे साथ ठीक है आपका भी शुक्रिया चाचा आपका भी शुक्रिया ओ भाई चाचा हाँ भतीजा अरे क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा